नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एंटरटेनमेंट गेमिंग। हमने पिछली वीडियो में आपको फाइट दिखाई थी कॉमन डायनासोर की। इस वीडियो में हम बता दिखाने वाले हैं आपको रियल क्रिएचर डायनासोर की फाइट पीवीपी विन। इस वो भी लाइव दिखाने वाला हूँ। इसमें ऐसा हो सकता है कि अपोनेंट स्ट्रांग हो सकते हैं तो हम स्ट्रांग हो सकते हैं। कैसी भी सिचुएशन है हम डेफिनेटली जीतेंगे। कैसे इस वीडियो में देखिए, पर ये आज के सेशन में हम सिर्फ रियल क्रिएचर्स को यूज करने वाले हैं। तो हम अभी चैलेंज करते हैं ऑल क्रिएचर्स में जुरासिक चूज करते, सिर्फ ढूंढने में आसानी होती थोड़ी। तो हमें सिर्फ रेयर क्रिएचर्स ढूंढने पड़ेंगे। रेयर क्रिएचर्स थोड़े ब्राउन इसमें दिखते हैं, व्हाइट कलर के सिल्वर में रहती थोड़ी सिल्वर। तो यहाँ पे दो रेयर क्रिएचर्स दिख रहे हैं, सब फुल्ली वाले 40 लेवल्स के। तो हम इसको चूज कर लेते हैं। तीन अलग अलग कैटेगरीज के, एक कार्निवर है, एक एम्फीबियन है और एक हर्बीवर है। सिलेक्ट नहीं हुआ क्या? डिप्लोडोकस बहुत अच्छा डायनासोर है। आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं कि कार्निवर हर्बीवर के खिलाफ ताकतवर होता है, हर्बीवर पेट्रोसोरस के खिलाफ ताकतवर होता है, पेट्रोसोरस एम्फीबियंस के खिलाफ ताकतवर होता है और एम्फीबियंस कार्निवर के खिलाफ। तो इस ग्राफ के हिसाब से हमारे अपोनेंट कौन से भी रैंडमली ले आ सकते। तो देखते हैं कि क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। पांच बॉक्स दिए हमने उनको, अपोनेंट ढूंढ रहे हैं वो। मिल गए क्रीचर। तो उनने एक हाइब्रिड किला दो सेनोजोइक स्पेशीज को यूज किए। दो कोई भी यूज करो, जितने तो हम ही वाले हैं। आपको श्योरिटी नहीं तो इस वीडियो का अंत तक देखिए, आपको श्योरिटी मिल जाएगी। और हाँ, हम कुछ सेशन की वीडियो के बाद हम कैसे हर जुरासिक वर्ल्ड की बैटल हम अपोनेंट पावरफुल हो या फिर कमजोर, तो हम सर्टन हाई फाई लेवल्स के खिलाफ एक ऐसी स्ट्रेटेजी यूज करके हम डेफिनेटली जीत सकते हैं। उस वीडियो को आप देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट कीजिए उसको सब्सक्राइब, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जब थाउजेंड्स के ऊपर जाएंगे तो हम वो वीडियो को लॉन्च करेंगे। डेफिनेटली भी ने तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सामने हाइब्रिड है। तो हम पहले पॉइंट बढ़ा लेते हैं, पॉइंट बहुत कम है, अपने डायनासोर को गवाना पड़ेगा। वो पॉइंट ज़्यादा कमा के ही आप देख सकते हो उनके पास अभी 94 डैमेज। उसने पॉइंट शायद बढ़ाया है तो हमें थोड़ा बढ़ाते हैं। और आप देख सकते हैं कि अगर हमारे कार्निवर गया तो अगला डायनासोर उनके खिलाफ भारी पड़ सकता है, वो हमारे खिलाफ भारी पड़ सकते हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं किया तो हम सीधे दो पॉइंट रखते हैं और चार पॉइंट हमला करते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट की लिमिट सिर्फ 8 ही है। उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमारा डायनासोर ज्यादा तो शायद तो अगले में को भी मार गिरा थे, हमने उनका पहले मार गिरा है। देखिए उनकी तरफ से अलग ही क्रीचर आया है, नाम थोड़ा पढ़ने में मुश्किल है। तो थोड़ा चूहा टाइप दिख रहा है, डॉट एच चूहा का कॉम्बिनेशन। तीन पॉइंट से हमला, चार पॉइंट करने चाहिए थे हम। इसको चार देके हमला करेंगे। तो उसके लिए बहुत सैड सिचुएशन। हमारे एक डायनासोर भी अभी तक गए नहीं, उनके तो दो के दो चले गए। ठीक से नहीं खेला आपने अपोनेंट ने। तो मैंने कहा था सिचुएशन किसी भी हम जीतने दो डेफिनेटली है। अब देखेंगे वो लो सचस ऐसे डायनासोर का नाम है। हम इसको सारे पॉइंट यूज कर देंगे कि अगले टर्न का डायनासोर बचा नहीं था। पॉइंट की क्या करने वाले हैं वैसे भी। देखिए कितनी आसानी से जीत गए। हमें सिर्फ एक डायनासोर की कुर्बानी देनी पड़ी। हमारे एक डायनासोर फिर भी रिजर्व था, फिर भी हम मैच जीत चुके हैं। बहुत आसान था। देखते हैं हमें प्राइस क्या मिलता है।
ओहो, इतने ज्यादा बक्स देने की उसकी ट्रेड में ज्यादा फूड मिलता है, इसलिए स्पिन में नहीं मिलता। अगर आपको डाउट आ रहा है कि ये ज्यादा पावर के डायनासोर यूज करके मैच जीत रहा है, तो हम लो लेवल्स की भी एक मैच आपको दिखा देंगे कि लो लेवल की रेयर क्रीचर्स को यूज करके हम कैसे मैच जीतेंगे। क्योंकि हम उनको ढूंढ रहे हैं, पहले बहुत बड़े डायनासोर की लिस्ट जल्दी मिलते नहीं, रिपीटेड भी बहुत होते हैं, बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं। कहाँ गए? हमें मिल गई। देखिए, हमने जो पिछली वीडियो में अभी आपको जो फाइट दिखाई दी थी, इसके उसमें हम फुल 40 लेवल्स की यूज़ करते हैं, अब उसके हाफ लेवल की यूज़ करेंगे, फिर भी हम जीतेंगे। वो आपको दिखने वाले मैच स्टार्ट अपोनेंट को है, कौन से डायनोसॉर यूज करते हैं। आप फिर से एक ग्राफ को चेक कर सकते हैं, वैसे सिनोजिक ग्राफ है, उन्होंने कुछ ज़्यादा खास डायनासोर नहीं डाले हैं, पता नहीं पी पी में ऐसा क्यों करते हैं। पावरफुल डायनासोर डालने की जो जितना ही हो तो हमें उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा था कि हमारे पास ऐसी स्ट्रेटेजी है जो हमारे हाई लेवल के डायनासोर्स को भी हरा सकते हैं अपोनेंट्स के, तो उसके लिए आप देख सकते कि अपोनेंट के पास कार्निवर है, हमारे पास हर्बीवर है, फिर भी आप जीतेंगे। तो उसके पास 2 पॉइंट ही क्या करता है, एक हमला के लिए यूज कर दिया, इससे उसको ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। हम फिर भी पॉइंट बढ़ाएंगे, एक 250 की कुर्बानी दे देंगे। फिर भी उसने एक यूज़ किया, उसकी गलती है, वो एक ही यूज़ कर रहा है। अब हमारे पास 6 पॉइंट हो चुकी है, उसमें से हम 3 उसको देते हैं और 3 से इसका हमला करते हैं। वो बहुत क्लोज का मामला था, 6 ही बचे उसके पास, 40 थे, और बस डायनासोर है, मार के रहेंगे। ये आ गया हमारे इडी टेक्टॉन, बहुत अलग अलग नाम है, ये थोड़ा सा स्पाइनोसॉरस की तरह दिखता है, उनकी परिवार से बिलोंग करता है। इसको भी मुंह की खानी पड़ी। अब ये जंगली कुत्ता आया है, क्या नाम है इसका, सिनोजिक स्पीसीज से बिलोंग करता है, एपीसीक्यून, बहुत विचित्र नाम जानते। 2 पॉइंट यूज करें, 2 पॉइंट हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर खुदार हमारी मुंह की खा, 1 2 3 4, और एक 4 अगले डायनासोर के फुल पावर अटैक से हम इस मैच को फिनिश करने वाले हैं। वो बच गया, कोई बात नहीं, ज्यादा देर तो नहीं बचेगा। डायनासोर बदल गया उसने, 3 पॉइंट है उसके पास, में से 2 यूज किए। तो हम 3 पॉइंट देंगे, 1 2 3, उसने डायनासोर को बदल की गलती की है, उसको इसको भुगतना पड़ेगा। एक उत्तर बच गया, फिर से वापस आया है स्पाइनोसॉरस के भाई से मिलने। जुरासिक पार्क 3 में स्पाइनोसॉरस बहुत खतरनाक दिखा है, तो असली में टी रिक्स खतरनाक है, क्योंकि लीजेंड कैटेगरी में आता है, स्पाइनोसॉरस सुपर रेयर में आता है। इस डायनासोर को आप पहचानती होगी, ये जुरासिक पार्क की जो मूवीज है उसमें दिखाए गए हैं। चलो हम उसके सारे पॉइंट यूज करते हैं, देखिए उसका खतरनाक अटैक,
किसी पंखी की तरह उसकी गाल के नीचे से कुछ तो निकाला। क्या कुत्ता ढेर, देखिए जीत गए हम, विक्ट्री के चिल्ला रहा है वो। सो प्राइस क्या मिलते हैं। सो गाइस, आपने आज की वीडियो में देखा कि पावरफुल ज़्यादा कम वाली भी डायनासोर यूज करने के बाद भी हम किसी मैच जीत सकते हैं। उसकी एक स्ट्रेटेजी है जो हम कुछ विशेष जुरासिक वर्ल्ड कुछ सेशन की वीडियो के बाद हम बताने वाले हैं। अगर आपको स्ट्रेटेजी जाननी है, वो वीडियो देखनी है, तो हमारे A1000 सब्सक्राइबर के लिए मदद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, तो उनको भी स्ट्रैटेजीज के पता चले और ये जुरासिक वर्ल्ड में आप भी अच्छा भाग तैयार करके आप भी अपने लेवल ऊपर कर सकते हो। उससे आप हाई हाई लेवल्स के लीजेंड डायनासोर्स को जीत सकते हो। हाई लेवल्स के डायनासोर जीतने के लिए इवेंट जीतने पड़ते हैं, इवेंट जीतने के लिए स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ती है, जो कुछ लोगों को प्रॉब्लमेटिक होती है और कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल है। मेरे पास जो स्ट्रैटेजी वो आपको जरूर बताऊंगा। आपको उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर जरूरी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर इट।